फ्रेंड्स, राम राम सीताराम, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ अपनी वाड़ी में। अभी फ़िलहाल में तकरीबन कोई काम है नहीं, तो छोटा मोटा काम होता है हमारी वाड़ी में, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो एक दिन हम लोग टमाटर का वो सही करने वाले थे वो हो नहीं पाया था, तो उसके लिए आज मैंने तैयारी कर रखी है। तो ऐसे ऐसे देखो, ये लकड़ी के पोल काट के लाया हूँ मैं पेड़ों से, और अभी इसको यहाँ बीच में लगाऊंगा। और लगाने के बाद ऊपर से रस्सी ऐसे नीचे लटकाते हैं ना, वैसे लटकाएंगे रस्सी को, और रस्सी के सहारे जो टमाटर का पौधा है उसको हम सीधा खड़ा कर देंगे। क्योंकि टमाटर क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद झुक जाता है तो सही से टमाटर लगते नहीं है, फिर ख़राब हो जाते हैं, वो ज़मीन को टच रहते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए आज तो सुबह से ही मैं लगा हुआ था, तो 3-4 पोल लेके आया हूँ लकड़ियों के काट काट के। तो उसको लगाने के बाद इसको टमाटर को सबको हम हैंग करेंगे। तो अभी लग जाता हूँ मैं भी, अभी रेखा आई नहीं है, उसको पता नहीं सुबह सुबह थोड़ा सा आँख में कुछ लग गया तो वो अभी सो रही है। तो अभी मैं तब तक करता हूँ, तो रेखा आ जाएगी बाद में। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने ये जो पोल लगाने थे वो मैंने लगा दिए हैं। ये देखो, अभी ये रहा एक, ये दूसरा, यहाँ पर ये तीसरा है। एक साइड में एक छोटा सा लगाया है, एक ये लगाया है। ऐसे करके जितने भी टमाटर है, टमाटर के अगल बगल हमने पूरा पोल लगा दिया है। और मैं लेके आया हुआ हूँ रस्सी, ये देखो ये रस्सी लेके आया हूँ। इस रस्सी से जितने भी पोल लगाए हैं सब में एक एक करके ऐसे सपोर्ट दे दूँगा। उसके बाद जो भी रस्सी बांधी है उससे एक एक रस्सी नीचे लटकाएंगे ऐसे करके। और क्लैंप लेके आया हूँ मैं, कहाँ गया, ये देखो ऐसे ऐसे क्लैंप लेके आया हूँ जिसको रस्सी के सपोर्ट से टमाटर को हम सीधा रख पाएंगे अभी। तो अभी इसको लगा देता हूँ मैं रस्सी। रस्सी लगाने के बाद फिर टमाटर को सपोर्ट देना शुरू करना पड़ेगा। ये देखो ऐसे टमाटर झुक चुका है ये, तो कुछ कुछ सपोर्ट दिया भी है लेकिन सही से सपोर्ट नहीं मिल पाया है, इसलिए ये झुक जाता है, ये देखो। तो अभी फ़िलहाल पहले मैं इसमें लगा देता हूँ रस्सी। रस्सी लगाने के बाद ये क्लैंप लगाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। निकली नहीं जाए, तो कई है ये और हमारे पानी निखर निखर कर रहे। बाहिए तबे जो है मोड़ा है हैं बीच में। બે ત્રણ દન ની કે તો તું
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी ये जहाँ जहाँ पर नीचे टमाटर लगा हुआ है वहाँ पर ऐसे देखो ये रस्सी में बांध रहा हूँ अभी, तो ऐसे बांध बांध के मैं रस्सी को लटका रहा हूँ अभी। तो जहाँ पर टमाटर लगाया हुआ है ओए मार मम्मी फरसो ओख मो दंडो लगा दी दोसो हवर हवर में दिखा तू नहीं यो ओ दो थई गयो छे बना दी दे दी मुझे લેમ્પ લાવજે છે કે મારે ઓબરે લઈ લ્યો સતુ ઉંગે રે તો તો તે કહે તો રાત મને કે પાકો કોન તે કાજી આઈ ની બોલ એક લેમ્પ કે મારી એટલે અહીંયા હું બધા દી છે કાઈ માથે કે અહીંયા પેલાન મોટું ડાળું હે હા અહીંયા તો આ માજ્યો ને પ્લેમ આ દોરી હાથે વધુ નહીં આવો આ એક લાઈન માં નહીં ટામેટો તો આની તકલીફ થાય એક લાઈન માં ઉગે ને ટામેટું તે એક કુદ દોરી માં થશે તો થઈ જાય એને થોડુંક માથે લગાવો માથે બે એક બે સપોર્ટ આલા પડે એક એટલે કાલો પડશે એક આ જુ હે ને એમ વાળી નાલો પડે એક ક્લેમ થઈ ગયો તો ક્લેમ તે ઓછા પડવાના હે એક માથે બે ત્રણ લગાવત બે ત્રણ ને બસ તે જો મોટું થાય ને એમ એમ ક્લેમ્પ મારવા જ પડશે તારે જો શું કહેવાય કે દૂરે છે હા તે એ ક્લેમ્પ માથે કાઢી નીચે કાઢી જાય નહીં કોમ લાગે તે નમી જાય પછી નીચે પણ આજુ એના સપોર્ટમાં રહી જાય નહી દેખાતું તો એ ભીંડા વીણ્યા કશું કોમ નથી કોઈ કોમ નહીં કરતો ફોન લઈને હવારનો વિડિયો બનાવવાનું ચાલુ કર્યું આ વાત તો નહીં માથે ફર ફર નહીં કરવાનું હું ફરી ગયો એવા તું નહીં ગઈ તું બોલજી બોલી બોલીને વિડીયો બનાવવાનું છે.
ઉખાડ લઈ દી પછી આ ટામેટીઓ ને એકબીજા ને સપોર્ટ ઠીક રહે. પછી મોટું થાય ને એટલે ક્લેમ્પ બાંધી દેવાનું. ક્યાં લાગે એવો ક્લેમ્પ મારવા જેવો? ક્યાં આવ્યો એવા? તો શીખ મોટું થાય નમે ને તરે જ ક્લેમ્પ મરાય. અણાના ની છે અને એ તો વાંધો નહીં. લાકડા વાળું છે પણ એની ક્લેમ્પ પણ દી એટલે સપોર્ટ મળી જાય. અહીંયા સુધી સપોર્ટ જતો રહી ગયો. અહીંની ટામેટા લાગે છે આજે. એમ રે એમ રે તરે દેખાય દેખાય આજેનું ટામેટું હજુ જુ હજુ દેખાય ને એટલે દેખાય છે. આણાને લાગી ગયા ટામેટા. फ्रेंड्स तो अभी सारे के सारे टमाटर को मैंने सपोर्ट दे दिया है अच्छे से पूरा ये रस्सी लटका लटका के. ये देखो जयमीन भी मदद करने के लिए आया हुआ है. इसका भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया अभी तो ये भी घर पे ही है. तो दोनों बाप बेटे मिलके ये लगा रहे हैं. ये देखो सारे के सारे क्लैंप हमने ऐसे कर करके लगा दिए है टमाटर में. अभी तो ये अभी टमाटर झुका नहीं रहेगा सही से. इसमें टमाटर लगेंगे अभी तो तकरीबन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 के आसपास ये टमाटर के पीस है. ये सभी को ऐसे रस्सी लगा लगा के हमने इनको खड़ा कर दिया है अभी. तो अभी ये ज़मीन को टच नहीं होगा. सारे के सारे ऊपर रहेंगे. देखो ऐसे करके सारे के सारे क्लैंप हमने लगा दिए है. ये छोटा है इसको भी हमने क्लैंप लगा दिया है ताकि ये सीधा ही रहे. तो यहाँ पर दो टमाटर और है जिसमें छोटे छोटे टमाटर लग भी चुके हैं. ये देखो इसमें एक छोटा सा टमाटर लगा है. यहाँ पर भी लगा है एक. यहाँ पर भी लगा है. ये छोटा छोटा लगना शुरू भी हो चुका है. तो अभी ये जो सुबह से हम लोग लगे हुए थे तकरीबन हमारा काम ख़त्म हो चुका है. अधूरी है ले पड़ लू है ले. तो अभी चलते हैं वापस घर की ओर. तो ये टमाटर का जो मेंटेनेंस काफ़ी दिनों से बचा हुआ था आज करते हैं कल करते हैं कर करके ये बचा हुआ ही था. तो अभी आज फाइनली हमने सारे के सारे टमाटर लगा दिए. टमाटर लगा कहाँ दिए. टमाटर का सपोर्ट लगा दिया हम लोगों ने. रावे गणो. तो अभी वापिस चलते हैं घर और देखते हैं और कुछ काम होगा तो करेंगे. क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा ठंडा मौसम था तो ठंडे ठंडे मौसम में हमने टमाटर का काम पूरा कर दिया. अभी देखो घर आते ही दूसरा काम तैयार है. ये देखो पानी भरने के लिए ये पूरे मटके सटके सब खाली करके रेडी रखे हैं उसने भी. तो काफ़ी अच्छा काम हो गया आज. टमाटर वगैरह हमारे सही हो गए. अभी छोटे हैं तो अच्छे रहता है
फिर सब झुक जाती है डालिया, उस टाइम पे ऐसे सपोर्ट नहीं दे सकते हैं उसको फिर। तो आज का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, अभी दूसरा काम करते हैं। ये देखो पानी क्या नहीं गया।